क्या होता है फोर्स? जब हम किसी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं उसको, मतलब पुल पुश हो गया, और क्या हो गया, जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें, तो सारी चीज किस में आती है? फोर्स में आती है, उसमें फोर्स लगता है। और फोर्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, उसका जो पोजिशन है वो चेंज होती है, या फिर उसके शेप में चेंज होता है, या तो उसके फिजिकल पोजिशन में चेंज होता है या उसके शेप में चेंज होता है ना। तो ये हमने देखा। अब हम पढ़ने वाले बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, शायद मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था, है ना। तो बैलेंस और अनबैलेंस मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है इसको समझिएगा थोड़ा सा। बी ऑब्जर्विंग द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लूडिंग प्लेन गैलीलियो डिडक्ट दैट ऑब्जेक्ट हैव विद अ कंसल्टेंट स्पीड विद नो फोर्स एक्ट ऑन देम। मतलब ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो या तो वो चल रहा है या फिर खड़ा है, ऐसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो चल रहा है वो खड़ा है, तो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा, जो खड़ा है वो खड़ा रहेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये खड़ा का खड़ा रहेगा, और अगर ये चल रहा है ना तो ये चलते भी चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा और कब तक खड़ा रहेगा? जब तक कि हम इस पर कोई बाहरी फोर्स, है ना, कोई बाहरी बल हम इस पर नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे हम नहीं लगाएंगे, तब तक ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन रहेगा। मतलब ये जब हम चलता रहे तो चलता रहेगा और खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। ये जो लॉ ऑफ मोशन है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको? ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लूडिंग प्लान इज द वेलोसिटी इंक्रीज। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट्स रोल डाउन एंड अटेंड अ डेफिनाइट वेलोसिटी बाय द टाइम इट्स रीचेस द बॉटम इट्स वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन इट्स क्लाइम अबव शोन इन 9 फिगर 9.5 V। सी सो अ मार्वल्स रेस्टिंग ऑन आइडियाज फ्रिक्शंस प्लान इंक्लूडिंग द बोथ स्लाइड्स गैलीलियो आर्ग्यूड दैट When the marble is released from left, it rolls down the slope and up the opposition on the same plane. कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, सिंपल सा ये चीज है। Newton further studied Galileo's ideas on force and motion, that is presented three fundamental laws that govern motion of object. These are three laws known as the Newton's law of motions. जो तीन लॉ दिए थे न्यूटन ने, पहले गैलीलियो ने इस बारे में बात की थी, गैलीलियो की ये बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन की बात करें। तो न्यूटन ने, ये आपको याद रखिएगा, ये आपको पूरी हॉल रेस्ट जो 2-3 साल है आपको उसमें पढ़ना पड़ेगी लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एट अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट अ चेंज दैट स्टेट्स बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब सिंपल सी जो बात हमने अब तक की वो ये यही थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन में है वो रेस्ट में है, वो मूविंग पोजीशन में है, वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम उसको कहीं नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्या, मतलब ऐसे कि सपोज करिए कि आप स्लोप में, ये कोई स्लोप है, आपने यहाँ से साइकिल स्टार्ट की और साइकिल आपने यहाँ पे ऐसी जा रही है, तो जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि वो साइकिल धीमे धीमे होके रुक जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पर अप्लाई होता है ना।
वो तो सब ऑल ओवर मतलब पूरी पृथ्वी पे ही अप्लाई होता है, आप कहीं भी चले जाओ ग्रेविटेशन फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आप जाओ, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा वो अलग बात है। तो ये चीज है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स तो वो भी है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल जो एक टाइम पे जाके धीमे धीमे करके वो रुक जाती है, इसलिए होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी टाइप ऑफ फोर्स ही है। वो क्या होता है, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, वो लेगा इस डायरेक्शन में जाना है ना, समझ रहे मेरी बात को आप। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम जो लॉ ऑफ मोशन है उसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक चीज आपके लिए होमवर्क है ना, बहुत जरूरी चीज है, गैलीलियो गैलीली कैसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत मतलब पूरी दुनिया में उनके लिए जाना जाता है, और डियर स्टूडेंट्स मतलब ये कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गैलीलियो गैलीली हैं इनके लिए जो यहाँ पे इनका लाइफ के बारे में सारी चीज लिखी हुई है, इन्होंने क्या क्या ऊपर मतलब किस तरह से इन्वेंशन किए, उस क्या क्या उन्होंने खोजा किस तरह से, और भी बहुत सारी चीजें हैं और उनको आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये कि रियली मैं आपको तो मैं आपकी एज में था तो मुझे सिलेबस से ज्यादा मजा इन सब चीजों में नहीं आता था, किसी की लाइफ स्टोरी किसी की जर्नी किसी की बायोग्राफी पढ़ने में, ठीक है, तो मुझे बहुत मजा आता था, रियली बताऊँ आज ही मजा आता है, और मैं बहुत बहुत पढ़ता हूँ सब लोगों को। तो गैलीलियो गैलीलीज बार 15 फरवरी 1564 इन पीसा इटली, इटली के थे ये, ठीक है। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजें इनके बारे में लिखी हैं, ठीक है, तो आप इनको पढ़ें, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू फॉर द वाचिंग।